Okay, so good morning everyone. तो स्वागत है आप सबका एनीवेयर लर्निंग में. सो मेरा नाम है मनीष पंजवानी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैरोमीटर. ओके, सो लास्ट टाइम हमने बैरोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था. टुडे वी विल जस्ट कंटिन्यू दैट. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में, राइट? वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट व्हाट इज बैरोमीटर. सो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द प्रेशर. We can measure the atmospheric pressure. तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं. देन वी डिस्कस दैट टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर वी हैव सर्टेन बैरोमीटर्स. तो द फर्स्ट बैरोमीटर वॉज मर्क्यूरी बैरोमीटर. ये हमने किस तरीके से बनाया था? तो आपने एक कंटेनर लेकर उसमें फिल की थी मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी फिल करने के बाद आपने उसमें एक ट्यूब को कुछ इस तरीके से इन्वर्ट किया था सो दैट इसमें मर्क्यूरी काफ़ी लेवल तक चली जाए. तो हमने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक कंटेनर आप लेते हैं और इसमें अगर आप एक मर्क्यूरी लेवल को फिल करते हैं और यहाँ से ये मर्क्यूरी जितने हाइट तक ऊपर जाएगी, सो दिस विल बी योर हाइट. ओके, देन द प्रेशर ऑफ दिस एटमोसफेयर विल बी रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. जी इज द ग्रेविटी. तो मान लेते कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.81 एंड द हाइट. अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो इन दैट कंडीशन द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विच वॉज ऑब्जर्व वॉज 760 mm और इट वॉज 76 cm और वी कैन से दैट 0.76 meter. तो अगर आप यहाँ पे हाइट की जगह पुट करेंगे 0.76 meter तो देन यू विल गेट द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर विच इज 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वी कैन से दैट पास्कल. सो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डिस्कस की व्हाई वी कैनॉट यूज वाटर हेयर. तो हमने डिस्कस किया था कि वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते. बिकॉज वाटर की डेंसिटी होती है ओनली 1000 kg/m³ जो मर्क्यूरी से बहुत कम है. तो अगर आपके पास डेंसिटी कम है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर रो जी एच, तो इफ यू कैलकुलेट द हाइट देन तो हाइट इज प्रेशर बाय रो जी. सो सिंस डेंसिटी इज लो हाइट विल बी मोर. लगभग 10 meter के आसपास की हाइट आपको लेनी पड़ेगी. तो आपको जो मर्क्यूरी बैरोमीटर बनाना पड़ेगा इस बैरोमीटर के इस कॉलम की हाइट लगभग आपके पास होनी चाहिए 10 मीटर के आसपास, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो जब आप मर्क्यूरी बैरोमीटर बनाते हैं तो आपके लिक्विड कॉलम की हाइट लगभग 1 meter होनी चाहिए. बिकॉज द मैक्सिमम हाइट इट कैन कवर इज 760 mm और 0.76 meter. तो ये हाइट तो 1 meter से भी कम है. बट अगर आप यहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे तो यू हैव टू टेक लार्जर हाइट एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ वाटर. सेकेंड कंडीशन ये थी कि वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. तो आप कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे. तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए आप कभी भी मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से कभी भी प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाएंगे. और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि व्हाई वी यूज मर्क्यूरी, व्हाई ओनली मर्क्यूरी. सो सेम यही रीज़न होंगे इसके, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज़ वेरी हाई. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 × 10³ विच इज़ गुड एंड द ग्रेविटी इज अगेन 9.8. सो मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें हाइट कम जाती है. तो आप एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से भी अगर जाएगा. द सेकेंड रीज़न इज
सेकेंड रीज़न ये होता है कि इट इज़ ईजिली विजिबल, क्योंकि मर्क्यूरी ईजिली विजिबल होती है इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड कंडीशन इज मर्क्यूरी इज मच मोर स्टेबल देन वाटर। अगर आप वाटर का यूज़ करेंगे तो वाटर काफ़ी अनस्टेबल होता है, बट मर्क्यूरी स्टेबल होती है, देयरफॉर वी यूज़ द मर्क्यूरी इन द मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी का यूज़ इसलिए करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर माइंड मस्ट बी, सर आर देयर एनी ड्रॉबैक्स? क्या मर्क्यूरी को यूज़ करने के व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर? तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर? सो वी विल स्टार्ट विथ फ्यू ड्रॉबैक्स। द फर्स्ट ड्रॉबैक इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होता। ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होता, आपको इसको हर बार अरेंज करना पड़ेगा, आपको हर बार एक कंटेनर लेके उसमें मर्क्यूरी को फिल करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पुट एन इन्वर्टेड कॉलम इनटू दैट। तो हर बार आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, उसमें मर्क्यूरी फिल करनी पड़ेगी, और देन आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉलम रखना पड़ेगा जिसमें फिर ये ऊपर की हाइट तक कॉलम फिल होगा। सो दिस इज नॉट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड टर्म इज इट इज हार्ड टू कैरी, यू कैन नॉट कैरी इट ईजीली। ओके, ये इसको हम कैरी नहीं कर सकते बिकॉज ये आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि एक ओपन बैरोमीटर है तो देर में भी अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो हो सकता है कि अगर आप इसे मेंटेन ना कर पाए तो देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ मर्क्यूरी, सो विच इज नॉट गुड फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। तो कैलिब्रेट नहीं होती। द थर्ड थिंग, इफ यू लुक क्लोजर इन टू द कॉलम, अगर हम इस कॉलम को थोड़ा जूम करके देखें, मान लेते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे आपने इसको जूम किया, तो जब आप इसे जूम करेंगे तो यू विल गेट कि मर्क्यूरी का लेवल कभी भी स्ट्रेट नहीं आता। अगर आप मर्क्यूरी का लेवल देखें तो ये कभी भी आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, यू विल नेवर गेट द स्ट्रेट लेवल ऑफ मर्क्यूरी। एक्चुअली दिस इज लाइक दिस, सो दिस इज अवर एक्स्ट्रा हाइट। सो ये हाइट, दिस हाइट वी हैव मेजर्ड, बट दिस इज अवर एक्स्ट्रा हाइट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो हम सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से इस हाइट को मेजर नहीं कर सकते, तो यू विल नेवर गेट एन एक्यूरेट रीडिंग। ओके, सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, देन वी विल अगेन मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। तो एक्यूरेट नहीं होती है। एंड लास्ट थिंग इज अगेन, वी नो दैट एज द टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर भी चेंज होता है। अगर आप अलग अलग रीजन में जाएंगे तो देयर विल बी डिफरेंट कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर, द टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, द प्रेशर विल बी डिफरेंट, देयर फोर वी कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ